दिन के 1 बज रहे हैं और अभी हम पहुंच गए हैं जामसोला, और यहाँ लगा दिए सर्विस स्टेशन पे। गाड़ी हमारी धुलाई हो रही है, मतलब धुलाई करा लेते हैं। और वो है ददुआ होटल दादू का, तो पहले गाड़ी धुलाई करवा लेते हैं भाई। 2 चक्कर से, 2 नहीं 3 चक्कर हो गया था, गाड़ी धुलाई नहीं हुआ है। तो गाड़ी बहुत गंदा हो गया था। हमारा खाना आ गया, और खाने में है, देख लीजिए, ये बोलते हैं चना मसाला, चना मसाला और रोटी है, और प्याज है, चटनी है। तो चलिए खाते हैं, टाइम तो बहुत हो गया है खाना खाने का, लेकिन कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको हमारे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों हम अभी है बिसोही में, तो आप लोग अगले ब्लॉग में देखें। हम यहाँ रात को 3 बजे पहुँचे, 2 रोटी खाए, खाते सोते सोते 4 बज गया, 4 बजे सोए, फिर उठे 9-10 बज गया, 10 बजे उठ के मुँह हाथ धो के अभी फ्रेश हो गए हैं, चाय वाय पी लिए हैं। अभी बज रहा है 11, और ये है रिंकू ढाबा, यहाँ हम रात को आए थे। तो चलिए अब निकलने के लिए तैयार हैं, यहाँ से हम चलेंगे। पता कर लिए हैं RTO नहीं है, तो RTO बचाने के लिए ही रुके थे। भोर में कई बार जाते हैं तो पता नहीं चलता, और भोर में आके 4 बजे खड़ा हो जाता है, इसीलिए हम रुके थे। तो अब चलते हैं, हम निकलेंगे। और यहाँ पे एक हमारा अगले चक्कर, आप लोगों को बता रहे थे माइक का रिसीवर गुम हो गया था, तो यहीं पर आके दिन में सोए थे और माइक कहीं गिर गया। हमें लग रहा था कि यहीं पर गिरा होगा तो मिला होगा, तो यहाँ आए बट यहाँ भी नहीं मिला, तो वो कहीं और ही गिर गया होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी दूसरा बुक कर दिए हैं। अब यहाँ से निकलते हैं, चाय वाय पी लिए हैं, और अभी घाट उतरना है। सामने बांगरी भूसी घाट आता है बिसोही के आगे, और यहाँ से जामसोला 50 किलोमीटर है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, और वीडियो में कंटिन्यू रहिए। चलते हम गाड़ी में आ गए और गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी में प्रेशर बनाते हैं, और गाड़ी न्यूट्रल है, देखिए गाड़ी न्यूट्रल है, और यहाँ है चाबी, तो लगाते हैं इसको, थोड़ा चाबी कट करेंगे और ये मीटर उठ के गिरने देते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी को। हाँ अभी गाड़ी स्टार्ट हो गया, तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। हाय फ्रेंड्स, तो अभी दिन के 12 बजने वाले हैं और हम हैं बिसोही में, और ये है BRC बिसोही रोड कैरियर मलकीत बाबू का होटल। तो चाय वाय पीने के लिए रुके थे, अपना यहाँ अड्डा है, जाने के टाइम रुके थे, तो चाय पी लिए हैं। अब यहाँ से निकलते हैं, RTO नहीं है, घाट उतर जाते हैं। सामने यहाँ से 7-8 किलोमीटर जाने के बाद घाट आता है, तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, है। चलते हैं, घाट उतरते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो दिन के 1 बज रहे हैं और अभी हम पहुंच गए हैं जामसोला, और यहाँ लगा दिए सर्विस स्टेशन पे। गाड़ी हमारी धुलाई हो रही है, मतलब धुलाई करा लेते हैं, और वो है ददुआ होटल दादू का, तो पहले गाड़ी धुलाई करवा लेते हैं भाई। 2 चक्कर से 2 नहीं 3 चक्कर हो गया था, गाड़ी धुलाई नहीं हुआ है, तो गाड़ी बहुत गंदा हो गया था। गाड़ी को बढ़िया से धुलाई करवा लेते हैं, और फिर अपने भी हम नहा धुआ कर यहाँ से चलेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं है, खड़गपुर यहाँ से 80 किलोमीटर है, अब तो 2 घंटा गाड़ी चलाएंगे कभी भी तो खड़गपुर पहुंच जाएंगे। तो चलिए पहले बढ़िया से धो धा लेते हैं और नहा धोवा लेते हैं हम भी, और यहाँ दादू का होटल में ज़रा चाय पीते हैं चल के। ऐसे तो खाना खाने का टाइम हो गया है, ये है गाड़ी धुले, तो अभी यहाँ पे थोड़ा कुछ खा लेते हैं, हल्का नाश्ता पानी हो जाएगा, यहाँ खा भी रहे हैं लोग। हमारा मुढ़ी या घुघनी और चॉप देख लीजिए, इसमें निकाल लिया गया, तो हम अभी नाश्ता करने के टाइम पे मुड़ी घूमनी खा रहे हैं। कोई बात नहीं, अपना जब भी टाइम मिलता है तभी चालू हो जाते हैं। तो चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद गाड़ी वाड़ी धुलाई करवाएंगे, आराम से नहाएंगे धोएंगे, फिर जाके 3-4 बजे खाना वाना खाएंगे। बस तो खा रहे हैं घुघनी भाई, और घुघनी इधर आपको बंगाल में जब आ जाएंगे ना, मुड़ी और घुघनी जरूर मिलेगा, ये माने बढ़िया होता है। हमारे देश में एक माने एक चीज़ है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाश्ता है, तो सब जैसा क्लाइमेट होता है, जैसा वातावरण होता है, उसके हिसाब से लोग खाना खाते हैं। तो ये मुड़ी घुघनी भी जो है ना,
इधर का खाना है, तो ये क्लाइमेट की वजह से लोग मूढ़ी उगनी खाते हैं। तो चलिए हम भी खा रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। ये है चॉप, हमारा नाश्ता हो गया। मूढ़ी तो बहुत ज़बरदस्त लगा, मूढ़ी चॉप और घुघनी, और थोड़ा चाय पी रहे हैं। एक दादू का चाय है, बड़ा बढ़िया बनाते हैं, पत्ती कड़क वाली चाय है। चाय देखने से ही पता चल जाता है कि चाय में कैसा पत्ती डाला है, तो पीते हैं। चलिए चाय पीते हैं, और गाड़ी हमारा धुलाई अभी हो रहा है एकदम, और अभी धुलाई हो जाएगा फिर उसको साइड कर देंगे, और हम भी चल के नहा धोवा के फिर यहाँ से निकलेंगे। फ्रेंड्स, दिन के 3 बज गए हैं, और देख लीजिए गाड़ी हमारा बढ़िया से धुलाई हो गया, और हम भी नहा धोवा के एकदम फ्रेश हो गए, और गाड़ी पूरा चमकने लगा। गाड़ी बहुत गंदा था, मतलब 2-3 चक्कर से गाड़ी धुलाई नहीं हुआ था, इसलिए गंदा हो गया था। अभी दोनों साइड गाड़ी धो धा के एकदम फ्रेश कर दिए, अब चलते हैं, हम भी नहा धुआ लिए, और यहाँ से अब ज़्यादा दूर खड़गपुर नहीं है, 2 घंटे का रास्ता है, तो अब निकलते हैं धीरे धीरे, और बंगाल में बंगाल का बॉर्डर आता है, बॉर्डर पार कर लेते हैं, फिर उधर खड़गपुर लाइट जलते जलते हम खड़गपुर पहुँच जाएँगे। 2 घंटा लगेगा, तो लास्ट 6 बजे। अभी हम चले हैं बंगाल चेक पोस्ट पे, मतलब बंगाल का आरटीओ चेक पोस्ट है, तो यहाँ कांटा होता है, कांटा पे छोड़ते हैं 42 टन 500 तक ये छोड़ देते हैं, और हाइट है, तो हाइट का तो कुछ खर्चा लगेगा, पहले कांटा पे चढ़ा के कांटा करवाते हैं। तो अभी जाना पड़ेगा गाड़ी पास करवाने वो ऑफिस में, कार के आगे चलते हैं। ये गाड़ी देखिए पास करवाने ही गया है, तो भाई पास करवा लेते हैं। फ्रेंड्स, शाम के 4:45 हो रहे हैं, और हम पहुंच गए गजा सिमुल, मतलब ये लोधासुली के आगे है गजा सिमुल, और लोधासुली जो है यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे रह गया, मतलब हम लोग पार कर गए, इधर 3 किलोमीटर आगे पाली भाषा है। तो चलिए अभी यहाँ पे रुके हैं, और ये मामा होटल है, तो चलते हैं। कुछ अभी खाया नहीं है, सुबह से सिर्फ मुड़ी खाया है, तो चल के थोड़ा रोटी वोटी खा लेते हैं। और खड़गपुर यहाँ से 30 किलोमीटर है, तो आधा घंटा लगेगा, तो रोटी वोटी खा लेते हैं तब चलेंगे खड़गपुर। तो ये सामने होटल है, चलते हैं होटल में। दोस्तों, हमारा खाना आ गया, और खाने में है, देख लीजिए, ये बोलते हैं चना मसाला, चना मसाला और रोटी है, और प्याज है, चटनी है। तो चलिए खाते हैं, टाइम तो बहुत हो गया है खाना खाने का, लेकिन कोई बात नहीं, हम ड्राइवरों को चलता है। ये है चना मसाला, सुपर, बहुत मस्त बना है। ये है चटनी, चटनी मीठा है, बढ़िया लग रहा है, खाते हैं। हमारा खाना पीना हो गया, मतलब खा लिए, चना मसाला खाया और रोटी, बढ़िया लगा, चना मसाला बढ़िया बनाया था। अब चलते हैं गाड़ी के पास, अब निकलेंगे। तो थोड़ा आगे मार्केटिंग वाला रहता है, वो मार्केटिंग का लफड़ा है माल में, तो पता कर लेते हैं, नहीं होगा तो निकल जाएंगे, होगा तो अब लगले हट जाएगा। 5 तो बज ही गया, 5-6 बजे तक रहता है, मतलब लाइट जलने तक रहता है, तो पता कर लेते हैं, होगा तो थोड़ा रुक जाएंगे, रुक के ही जाएंगे, और नहीं होगा तो निकलते हैं।
तो शाम के 7 बजने वाला है और मैं पहुंच गया है निमपुरा बॉम्बे रोड, और वो है हमारी गाड़ी पंप में, वो देखिए लगी है, और ये इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है। तो चलते हैं, निमपुरा पहुंच गए, अच्छा लग रहा है। जब भी गाड़ी घूम के आती है 10-12 दिन में अपने निमपुरा पहुँच जाते हैं तो जैसे लगता है घर में आ गए हैं। तो उस साइड हम लोग अब जा रहे हैं चाय पीने के लिए, और रोड क्रॉस करके जाना होगा, जल्दी से पार करते हैं भाई, गाड़ी बहुत स्पीड आ रही है। तो थोड़ा चाय पी लेते हैं, वहाँ सामने में चाय दुकान है वो नीचे में, और इधर भी कार गाड़ी, ये रोड के ऊपर बहुत सावधानी से पार करना पड़ता है। चाय पी रहे हैं दोस्तों, और थोड़ा हमारे सब्सक्राइबर भाई कमेंट किए थे कि गला को, आवाज़ को क्या हुआ है। तो पहला तो गला थोड़ा ख़राब हो गया है, दूसरे में माइक जो पहले था ये नॉर्मली माइक 100-150 वाला है, इसका साउंड भी ठीक नहीं है। कितना भी इसको मैंने एडिट में जाके बढ़िया रिमूव करते हैं फिर भी सही नहीं होता है। तो इसका अभी माइक का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, हमारा आवाज़ भी बैठ गया है। और चलते हैं, अभी थोड़ा लखन को फ़ोन करते हैं, आता है ना क्या, कल फ़ोन किया था कहाँ है, तो उसको भी पूछ लेते हैं कि घर में रह के मन भरा कि अभी और रहना है घर में, अगर और रहना चाहेगा तो और छोड़ देंगे, हम खाली करने जाएंगे 2-3 दिन बाद आएगा तो खाली लेकर के आएंगे तो बुला लेंगे, आ जाओ चलते हैं। तो चाय पी रहे हैं ये भाई लोग। तो अभी हम घर में आए हैं, और घर में थोड़ा लाइट वाइट जला दिए, देख लीजिए पूरा लाइट जल रहा है, और ये हमारा पड़ोसी का लड़का आया, देख लीजिए खुला बदन घूम रहा है, बॉल लेने के लिए आया है। तो चलिए इसको बॉल दे दिए, बोले खेलो 3-4 दिन, अभी हमारे लड़के लोग आए हैं उसमें टाइम है, तब तक तुम खेलो। तो अब चलते हैं, लाइट वाइट जला दिया, थोड़ा देर में जाएंगे बॉम्बे रोड। फ्रेंड्स, तो रात के 11 बज गए हैं, और हमने खाना वाना तो नहीं खाया, शाम को खाना खाया था तो इसीलिए नहीं खाया। अभी गाड़ी रात में चलाना पड़ेगा, यहाँ से 5 घंटा लगता है, 6 घंटा बसीरहाट जाने में। तो अब चलते हैं, जाते जाते सुबह हो जाएगा। यहाँ डीजल हमको लेना था, हमारी गाड़ी महाराष्ट्र बॉर्डर पे फुल हुई थी, तो लगभग मेरे ख्याल से यहाँ से 900 किलोमीटर के लगभग है। तो चलते हैं, यहाँ पे डीजल डालेंगे 10,000 का, डीजल भर के और यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ पे डीजल का रेट है 91.91 रुपया 14 पैसा। तो चलिए चलते हैं, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।